अलैहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाह रब्बिल अज़ीम सल्लल्लाहु अला नबियुल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीम। माय फेलो पार्लियामेंटेरियंस ऑनरेबल सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट ज़फ़र ब्लेदी साहब और प्रभु साहब एंड मिस्टर एंड्रेस UNHCR रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल द जर्नलिस्ट जुल्फिकार साहब ऑल माई सिस्टर्स सिटिंग हेयर एंड ऑब्वियसली ऑल माई ब्रदर्स सिटिंग हेयर। Assalamu alaikum. It's definitely an honor for me to come and address all of you on this very important day. As I was coming to my office in the morning today, I saw some very beautiful flowers blooming. And I think spring is knocking on the doors. It's a very, very warm feeling to see flowers blooming because it fills your heart with hope. Ek umeed jaagti hai aapke andar ki haan, hum और विमेंस डे जब आता है दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग तो मेरा ख्याल है थ्रू आउट द वर्ल्ड दिल जो है ख्वातीन के वो एक उम्मीद के साथ भर जाते हैं कि हाँ वी आर वर्किंग फॉर आर राइट्स देर इज़ समबडी हु इज़ रेसिंग वॉइस फॉर अस और हम किसी ना किसी स्टेज पे अपने आज नहीं तो कल हमें हमारे हुकूक मिलेंगे। Now I think women empowerment जिसको कहते हैं it's a very very I think misunderstood terminology. Women empowerment का मतलब क्या है? मतलब if you say women empowerment खुद मुख्तियार औरत तो एक बड़ी हमारे society में कह लें ज़्यादा बिलखसूस और बिलमूम पूरे दुनिया में ये terminology जो है इसमें समझा जाता है बड़ी नेगेटिव सी इसको ले जाया जाता है कि शायद बिल्कुल ही मादर पितर आज़ाद माशरे की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एम्पावर्ड वुमन होती क्या है? आई थिंक खुद मुख्तार औरत वो है हु हैज़ एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हु हैज़ द राइट टू एजुकेशन हु हैज़ द चॉइस टू मेक डिसीजंस फॉर हर सेल्फ हर चिल्ड्रन एंड हर फैमिली एंड हु इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये होती है असल वुमन एम्पावरमेंट। लोग उसको गलत सेंस में ले जाते हैं। हमें वो माइंडसेट चेंज करना है लोगों का जिसकी वजह से वो ऐसा समझते हैं। क्योंकि देखिए शायर ने कहा कि हस्तियां दो हैं इस दुनिया में जिससे है ये निज़ाम जारी एक खुदा की ज़ात अफजल है एक औरत का वजूद बारी। तो हम अगर इतने बड़े इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को एड्रेस नहीं करेंगे उनकी ज़रूरियात को नहीं देखेंगे तो फिर ये माशरा ये सोसाइटी तनज़ुली की तरफ ही जाएगा। इसमें आपको कोई बेहतरी नज़र नहीं आएगी। माय ब्रदर सना एज़ ऑलवेज हैज़ टेकन अप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इनकी बात सही भी है। हम वक्तन फवक्तन इनसे गाइडेंस भी लेते रहते हैं एंड ही इज़ अ थरो जेंटलमैन जो कि हमें गाइड भी करते हैं पॉइंट्स भी बताते हैं। जब मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो आई एम हैप्पी कि सना भाई वॉज द फर्स्ट वन टू कम अप विद सजेशंस and we had a lot of discussions too. देखिए health और education these are two basic human rights जिस पे हम at least parliamentarians का ये इतफाक तो या बलूचिस्तान असेंबली में ये है कि इसमें हम treasury benches और opposition का कोई तफरीक नहीं रखेंगे। जिसमें जहाँ पे भी अच्छी चीज़ और तामीरी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे हम सब एक platform पे हैं। विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस के हवाले से हम चाहे वो अपोजिशन की खवातीन हो चाहे ट्रेजरी बेंचेस की हो वी आर ऑन द सेम पेज एंड वी आर ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ लेजिस्लेशंस एंड पॉलिसीज। प्री कोविड हमने जो है 5 लेजिस्लेशंस ली थी और उसको एक टाइम फ्रेम भी दिया था कि हम इस टाइम फ्रेम के अंदर इंशाल्लाह ताला इसको इम्प्लीमेंट करवा लेंगे और जो पॉलिसीज कुछ मौजूद हैं या एक्ट्स मौजूद हैं जिसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है उसको जल्द से जल्द हम अमेंड करेंगे। साइमा उसमें हमारे साथ थी, यूएन वीमेन हमारे साथ थे, उस पर ऑन बोर्ड थे, यूएनडीपी हमारे साथ था और हमने प्री कोविड जो है 3 लेजिस्लेशंस को हमने इन टाइम कम्प्लीट कर लिया था। फिर कोविड आ गया उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो अंडर द ब्लैंकेट्स चली गई वो नहीं हुई लेकिन अब जो है वो दोबारा विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस के प्लेटफॉर्म से दोबारा हम कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं। हेल्थ के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं जैसे अभी साइमा ने भी बात की थी तो वी आर ब्रिंगिंग इन द फर्स्ट ट्रांसजेंडर हेल्थ पॉलिसी ऑफ बलूचिस्तान। हेल्थ के हवाले से बहुत सारे रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं फॉर पीपल विद डिसबिलिटीज़ ऑल्सो फॉर इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। हम इन सबको देख रहे हैं क्योंकि विदाउट इंक्लूजन आई थिंक हमारी सर्विसेज इनकम्प्लीट हैं और हम माशरे को शायद वो चीज़ें जो कि हम पर माशरे का हक है वो ना दे सकें शायद। तो आई थिंक इंक्लूजन इज़ द फ्यूचर और हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते।
कि हम इसको नहीं देंगे या उसको नहीं देंगे या इसको हम मार्जिनलाइज कर दें। तो आई थिंक वेमेंस डे के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वेमेंस डे की जद्दोजहद आई थिंक किसी एक जगह पर जाके ख़त्म नहीं होगी, ये एक जहद मुसलसल है, हमें करती रहने पड़ेगा इसको और देखना पड़ेगा। जैसे अभी सना भाई ने भी कहा था कि नेक्स्ट ईयर वी वुड सी कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जब तक हम ये माइलस्टोन्स अपने नहीं देखेंगे, कवर नहीं करेंगे, तो आई थिंक इस तरह के दिन सिर्फ दिन ही मनाए जाएंगे, उनका कोई हासिल नहीं होगा। कहा जाता है कि ठहरे हुए कदमों से सफ़र तय नहीं होता, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। तो हमें क्यों हम जेंडर इक्वालिटी की पे जब बात करते हैं, आई थिंक जेंडर इक्वालिटी इज नॉट द राइट टर्म टू यूज़। जब हमारे मज़हब ने हमें मर्दों से ज़्यादा राइट्स दिए, प्रिविलेजेस दिए, तो वाई शुड वी सेटल फॉर एनीथिंग लेस। लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई थिंक कस्टम कल्चर के नाम पे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट थी उनको कल्चर कस्टम्स का नाम दे दिया। हालांकि पीपल नो, जैसे अब विमेन एम्पावरमेंट है या राइट्स ऑफ विमेन है, पीपल नो इट विदाउट नोइंग अबाउट इट। कि उनको ये तो पता है कि हाँ है, लेकिन क्या है ये मालूम नहीं है। तो उनकी तनकीद या उनकी तायद सिर्फ उस टर्मिनोलॉजी के साथ होती है, उसके माने कोई समझता नहीं। तो लेट अस वर्क ऑन दिस कम्युनिटी बिहेवियरल चेंज, कि हम माइंडसेट्स को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो व्हील टर्न होगा और कभी आपको हुकूक फिर मांगने नहीं पड़ेंगे, आपको हुकूक मिल जाएंगे। और एक चीज़ जो हमें और करनी है वो ये करनी है कि लोग अपने फ़राइज़ किस तरह अदा करते हैं। When you are fulfilling your responsibilities, you are giving the rights to others. ये एक छोटी सी equation होती है जिसमें जब imbalance आ जाता है तो फिर ये हुकूक और फराइज वाली जो बात होती है और हुकूक मांगने वाली बात होती है वो तब आती है। तो लेट्स सी, वी आर वर्किंग ऑन कम्युनिटी बिहेवियरल चेंज एज वेल। साइमा ने एक बात की कि पब्लिक प्लेसेस में ख़वातीन के लिए कोई सहूलियात नहीं है, तो लेट मी टेल यू कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू ये एक तो सबसे पहला हमने ये स्टेप उठाया कि वी नोटिफाइड अ वीमेन डेस्क, जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में एटलीस्ट ये होगा कि आपके हर लेवल के ऑफिसर्स ख़वातीन होंगी। जितनी वीमेन एम्प्लॉइज़ हैं अपने हेल्थ इश्यूज़, जितने उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं डिपार्टमेंट के हवाले से, दे कैन कम ओवर देयर एंड गेट देम सॉल्व। और ये जो होगा एक रोल मॉडल होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द सेक्रेटेरिएट, एंड दिस इंशाल्लाह वुड बी कॉपीड एज अ टेम्पलेट बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी। और मुझे उम्मीद है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस टेन्योर कम अज़ कम 2 से 3 डिपार्टमेंट्स में जो है ये डेस्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट ने थ्रू आर न्यूट्रिशन डायरेक्ट्रेट हमने पब्लिक प्लेसेस में ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी फीडिंग कॉर्नर्स जो बनाए थे, दिस इज़ अ सेपरेट इनिशिएटिव फ्रॉम द विमेन डेवलपमेंट जो उन्होंने डे केयर सेंटर्स बनाए थे। तो इनमें हमने ख़वातीन के लिए, वो ख़वातीन के पब्लिक प्लेसेस में है, विमेन डेवलपमेंट का इज़ फॉर वर्किंग लेडीज़, हमारा जो है इज़ फॉर जनरल पॉपुलेशन जो ख़वातीन वहाँ पब्लिक प्लेसेस में, उनके लिए है कि ब्रेस्ट फीडिंग की उनको सहूलियात दी जाए इन आर सोसाइटी, वो प्राइवेसी और वो वाली बात की सारी चीज़ें। प्लस वी हैव गिवन देम द फैसिलिटी ऑफ वॉशरूम्स एंड टू ऑफर देयर नमाज एंड प्रेयर्स एज वेल। तो ये सब चीज़ें वहाँ हमने अभी तक 4 जगहों पर ये कर लिया है, और इन द कमिंग 2 to 3 months वी आर प्लानिंग ऑन हैविंग 25 to 30 मोर पॉइंट्स इन क्वेटा सिटी। इनिशियली ये क्वेटा सिटी के लिए है, देन वी वुड बी मूविंग ऑन टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यहाँ पे हम ये सहूलतें देंगे। बिकॉज देखिए, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहते हैं एंड वी आर नॉट गिविंग द फैसिलिटीज फॉर इट, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? तो यू आर एडवोकेटिंग समथिंग फॉर विच यू आर नॉट फैसिलिटेटिंग द पीपल। तो एक ये इनिशिएटिव जो है